बहराइच में आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए चस्पा किया गया नोटिस। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर चिपकाया नोटिस। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, नोटिस चस्पा होते ही खुद अतिक्रमण हटाने लगे लोग। हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगाया है नोटिस। बहराइच में हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए चिपकाया गया नोटिस, लोग खुद ही मकान दुकान खाली करते आए नजर। बहराइच में अतिक्रमण हटाने को लेकर बोले लोग, कहा भेदभाव कर रही पीडब्ल्यूडी, सफर होनी चाहिए कार्रवाई। सरकार से अपील की कि नोटिस की डेट बढ़ाई जाए। ये दुकान पे नोटिस लग गई थी, हमारी किराए की दुकान है तो खाली करना ही पड़ेगा। मकान मालिक ने कहा था शाम को सर कि यहाँ पे नोटिस लग गई, आप अपने बचाव के लिए अपना सामान यहाँ से ले जाइए, नहीं तो सामान टूट जाएगा, नुकसान होगा आपका, इसलिए सर दुकान खाली कर दीजिए। बहराइच हिंसा मामले में एक्शन तेज, 26 और लोगों की हुई गिरफ्तारी, अब तक कुल 87 गिरफ्तारियां। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल, हिंसा में गई थी एक शख्स की जान। उधर बहराइच हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बैठक, बहराइच के हालातों को लेकर ली जानकारी, एडीजी और डीजीपी बैठक में रहे मौजूद। बदमाशों को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा दंगाइयों की कुटाई समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नेहा यादव का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान नहीं दे रही सरकार, सीएम योगी को बुलडोजर कार्रवाई में आता है आनंद। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंसक राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, ये उचित नहीं है। एमपी के उज्जैन में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रही पुलिस प्रशासन की टीम, अवैध कब्जे को हटाने की तस्वीरें सामने आई। यूपी के महाराजगंज में 800 बोरी चाइनीज लहसुन पर बुलडोजर का एक्शन, कस्टम विभाग ने चाइनीज लहसुन को बुलडोजर चलाकर किया नष्ट, लहसुन को भारत नेपाल सीमा से तस्करी कर लाया गया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से यमुना पर पड़ा असर, गंदी हुई यमुना, पानी में दिखाई दिया सिर्फ झाग ही झाग, यमुना की सफाई का काम जारी। दिल्ली के आईटीओ में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 226 के पार पहुंचा एक यूआई, पूरे इलाके में देखी गई स्मॉग की परत। दिल्ली के कई इलाकों में खराब स्तर पे पहुंचा AQI, सबसे ज्यादा आनंद विहार में दिखा असर, 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस से भी सामने आई प्रदूषण की ड्रोन तस्वीरें, 250 के पार पहुंचा AQI, अलर्ट मोड पर प्रशासन। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास भी खराब हुई हवा, 250 के पार पहुंचा AQI, बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन में चिंता का माहौल। दिल्ली में नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से बड़ी परेशानियां, यमुना नदी पर दिखा जहरीला झाग, कालिंदी कुंड से ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में छाई धुंध की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ताजा आंकड़े के मुताबिक 300 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में प्रशासन, राजधानी के कुछ हिस्सों में किया गया पानी का छिड़काव, प्रदूषण को कम करना है मकसद। हरियाणा के कैथल में जली पराली, आसमान में देखा गया धुएं का गुबार, केवल कंथल में ही अब तक 90 से ज्यादा जगहों पर हो चुकी है पराली जलाने की प्रक्रिया। यमुना में बढ़ती गंदगी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, केजरीवाल के खिलाफ जताई नाराजगी, पोस्टर पर लिखा चलो साथ मिलकर लगाएं डुबकी। आपने कहा था कि मैं यमुना को 25 तक ऐसा कर दूंगा कि आप डुबकी लगा पाएंगे, आपके STPs काम नहीं कर रहे हैं, आपकी मुझे लगता है विजन ही नहीं है यमुना को साफ करने के लिए, आप सिर्फ राजनीतिक ढोंग के लिए बार बार जब चुनाव आता है तो कह देते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आप सरकार पे साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार की तरफ से यमुना की सफाई के लिए दिए गए 3,000 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इस बात की जिम्मेदारी, यमुना जी को यहां तक ला करके मृत प्राय बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोले मंत्री गोपाल राय, कहा प्रदूषण से निपटने के लिए हमने बनाई कई टीम, सभी टीमें जल्द हॉटस्पॉट का करेंगी दौरा। आज से सभी जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर कल हमने टीमों का गठन किया था, वो सभी टीमें आज ज्वाइंट रूप से हॉट स्पॉट्स पे
दौरा करने के लिए ग्राउंड पे उतर रही हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर शहजाद पूनावाला का आप पर हमला, कहा गैस चैंबर बन गई है दिल्ली, आपकी प्रदूषित राजनीति की बदौलत हुई दिल्ली का ऐसा हाल। अब आप बताइए कि दिल्ली की हवा प्रदूषित गैस चैम्बर बन गया है, मास्क लेकर घूमना पड़ रहा है, 350 पार एक्यू है, दिल्ली की यमुना जी और पानी प्रदूषित, प्रदूषित पॉलिटिक्स है केजरीवाल की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर बुलाई बैठक, मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे मंत्री और प्रभारी, उपचुनाव को लेकर रणनीति पर होगा मंथन। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के सदस्यता अभियान आज से शुरू। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा राज्य सरकार के बीच नीति और चर्चा के माध्यम से लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा मेरी संस्कृति, धर्म और धरती तीनों खतरे में, हिंदुओं से अपील की, कहा तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर मेरी संस्कृति, धन, धरती और धर्म, ये तीनों खतरे में, धर्मों रक्षित रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। झारखंड में सीट बंटवारे पर प्रतुल शाहदेव का बयान, का झारखंड में एनडीए की अब तक सबसे मजबूत स्थिति, सोरेन सरकार को राज्य के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। तक का एनडीए का सबसे मजबूत अलायंस है जो झारखंड के, अगर आप 24 वर्षों के इतिहास की बात करें, हमें लगता है कि हमारा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अचूक है और इस सरकार के पतन की कहानी शुरू हो गई है। बिहार में प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा हुआ, टिकट बांटने को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया बवाल, संभावित प्रत्याशी के नाम लेते ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। असम में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, करीब जिले के पकड़ा गया गया घुसपैठियों को भेजा गया सीमा पार, सीएम हेमंता ने पूरे मामले पर ट्वीट कर लिखा घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए पूरी तरह सतर्क। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक आरोपी के फोन में मिली बेटे जिशान सिद्दीकी की फोटो, बेटा भी आरोपियों के निशाने पर था, मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामला, सिद्दीकी की सुरक्षा में मौजूद कांस्टेबल श्याम सोनेवड़े सस्पेंड, श्याम सोनेवड़े की आंतरिक जांच जारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तानी हथियार से बाबा सिद्दीकी की हत्या का शक, राजस्थान से लाया गया था, वारदात में इस्तेमाल हुआ पिस्तौल। लॉरेंस में शुरू हुई मामले में बड़ी कार्रवाई, दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, पुलिस हिरासत में रहकर मीडिया से बातचीत करने के मामले में सभी अधिकारी सस्पेंड। उधर पुंछ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार, आतंकियों के पास से 3 ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद किया गया। बम की धमकी मिलने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा एयर इंडिया का विमान, जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध, जहाज में सवार थे 189 यात्री। नोएडा के स्कूल में 3 साल की मासूम से डिजिटल रेप पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा, स्कूल के बाहर एकजुट होकर जताया विरोध, मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के बलिया में मंदिर के अंदर घुसा अर्धविक्षिप्त, मां की प्रतिमा को किया अर्धविक्षिप्त ने खंडित, पूजा आरती के दौरान बिगड़ा माहौल। यूपी के बलिया में 5 साल की बच्ची के साथ 3 बच्चियों ने किया गलत काम, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला, आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस ने चलाया अभियान, अभियान के तहत बिना दस्तावेज 2,73,00,000 नकद ले जा रहे वाहन को किया जब्त, मामला दर्ज कर जांच में जुटी टीम। यूपी के रामपुर में सीएमओ का बड़ा एक्शन, फर्जी अस्पताल, क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की, 7 नर्सिंग होम, क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब को सील किया गया। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान होगा भव्य ड्रोन शो, मेड इन इंडिया ड्रोन्स का होगा इस्तेमाल, राम लक्ष्मण की मुद्रा का कर सकेंगे दर्शन। तमिलनाडु में छात्रों को डंडे से पीटने का मामला आया सामने, संस्थान के मालिक पर लगा पीटने का आरोप, घटना का सीसीटीवी स्पेशल जो आया है सामने वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के आगरा में सड़क के बीचों बीच जान हथेली पर रखकर स्केटिंग कर रहे युवा, युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड के रेजिडेंट के ऊपर किया लाठी डंडों से हमला, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के रायबरेली में चोरी के शक में कई लोगों को पीटने का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच।
यूपी के बदायूं में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। यूपी के मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से गैंगस्टर पप्पी घायल। गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज है कई मुकदमे। यूपी के मथुरा में पुलिस ने तेल चोरी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। पाइपलाइन में सेंध लगाकर की थी चोरी। मुठभेड़ के दौरान हुई अरेस्टिंग। पुणे की एक लाइब्रेरी में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। आग बुझाने का काम जारी।